बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी बांग्ला नेपाली अफगानिस्तान के बने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या यूके ने उनके कंट्री को रेड लिस्ट कंट्री में डाल दिया है, क्या अब ये लोग यूके नहीं आ पाएंगे वर्क वीज़ा पर और इवन स्टडी पर, क्या इनका फ्यूचर क्या बनेगा जब ये भी लोग एक दूसरे कंट्री की तरह अपना फ्यूचर एक टॉप क्लास की कंट्री इंडिया से यूके बनाना चाहते हैं, पर ये ऐसे रूल्स क्यों आ गए जहां पर इन कंट्री से रिक्रूटमेंट करनी यूके ने बंद कर दी। तो इसके लिए आज आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है। जी ये है दोहा, है दोहा है मेरी जान, जहाँ पर मैं वीडियो बना उन गरीब माँ के बच्चा बच्ची के लिए जो उन्होंने मुझे कल इतना मैसेज इंस्टाग्राम साइड आईडी पर दिया और कहा है कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बना रहे और बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका इन सारी कंट्री को यूके ने रेड लिस्ट कंट्री में डाल दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ से रिक्रूटमेंट होनी बंद हो गई है। वो रिक्रूटमेंट क्यों बंद कर दी और किस वीज़ा के लिए बंद की है उसके लिए डिस्कस करेंगे डिटेल। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं नाम गैरी, मैं यूके 19 साल से रह रहा हूं, मेरे यूके में 5 घर है और मैंने 64 कंट्रीज देखी, पर अब छठवां घर में आपका बनना चाहता हूं और इसके लिए मैं आज आपके रोज वीडियो लेकर आता हूं। इसलिए अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे, आप मेरी तरह सरदार जी की तरह फ्री तंजीनिया गए थे, अब आपकी टर्न है मेरे साथ न्यूजीलैंड जाने की और इसके लिए मैं विनर आज के वीडियो में जरूर एक पिक करूंगा। जी हां, यह बात सत्य है कि कुछ जो WHO जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने कुछ कंट्री को रेड लिस्ट कंट्री में डाल दिया और बोला यूके को ही नहीं, यूएसए कनाडा को बोला है और को बोला न्यूजीलैंड को कि आप इन कंट्री से इन आदमी रिक्रूटमेंट नहीं करते, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी रेड लिस्ट कंट्री में। रेड लिस्ट कंट्री दोस्तों वो होता है जो कंट्री ऑलरेडी बहुत मेडिकल जिसको नीड है, जैसे मानते हैं अफगानिस्तान को इन्होंने रेड लिस्ट कंट्री में ऐड कर दिया, मतलब कि अफगानिस्तान के डॉक्टर नर्सिस मिडवाइफ फिजियोथेरेपी और इवन केयर जो टेकर होते हैं वो बाहर क्यों जाएंगे, बिकॉज उनकी कंट्री का खुद इन लोगों की बहुत जरूरत है। तो इसका मतलब जो कंट्री ऑलरेडी रेड लिस्ट कंट्री में है तो यूके यूएसए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इनको नहीं ले सकता है एज पर WHO। पर डिस्कस करेंगे वो कौन सी कंट्रीज हैं, पर बताना चाहूंगा आपको बहुत जल्दी जो हेल्थ केयर वर्कर वीजा शुरू किया गया था फरवरी 2020 में, ये लॉन्च किया गया था यूके में, जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे उन्होंने कहा था कि आप लोग यूके आओ, आपकी बहुत डिमांड है, और इसके लिए उन्होंने यहां के जो नेशनल हेल्थ चार्जेस थे उनको भी जो फीस थी फ्री कर दी थी। जो वीजा फीस है एज कंपेयर टू अदर जो ऑक्यूपेशन उसे बहुत कम है, यहां पर 3 साल की वीजा फीस स्क्रीन पर दिखाई 247 है और मोर देन 3 ईयर करोगे तो 479 है, और इसमें आपके बीवी और बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं। जिन्होंने अपनी बीवी को यहाँ पर खो दिया था, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इंडिया में अगर हस्बैंड चल जाए तो औरत को विधवा कहते हैं, तो यूके ने एक आधा जिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खो दिया है ड्यू टू COVID-19 लोग की हेल्प करते हैं उनको उन्होंने इनडेफिनेट लीव टू रिमेन दे दिया, बिकॉज उन बेचारे मासूम लड़कों गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा आप वापस नहीं जाओगे, हम आपको यूके में सेटल कर देंगे। ये था बोरिस जॉनसन के जमाने पर। आज प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, ऋषि सोनक जी आ गए, आज रूल ये है कि हेल्थ केयर वर्कर वीजा अभी भी कंटिन्यू है, लोग बोलते बंद हो गए, बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपके मन में ये वीजा 5 साल का मिलता है और जिसमें 5 साल आप नेशनलिटी ले सकते हो। मेरे खुद के सीवी कवर लेटर से बहुत सारी लड़कियां पटियाला चंडीगढ़ से हरियाणा से यहां पर आई हैं और आपने बहुत सारे इंटरव्यूज उनकी मेरे चैनल पर देखी भी है। और इस वीजा की ब्यूटी ये है कि अगर आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस आप किसी हॉस्पिटल इंडिया से ले लेते हो आपकी चांदी चांदी, और इसके नाम पर यूके बहुत स्कैम भी हो रहा है, बच्चे से 15-16 लाख लिया भी जा रहा है और उसके लड़कों को लड़के जॉब से निकाल दिया जाता और बोला जाता कि आपको जॉब नहीं आती या आपने सेक्सुअल हरासमेंट का केस डालकर उनको निकाल दिया जाता है। तो बहुत ही ये जो वीजा है बहुत ही इस टाइम कंट्रोवर्शियल में चल रहा है। मुझे लगता है कि होम ऑफिस उन सारे जो केयर होम है जो तंग करते हैं एक गरीब माँ के बेटा बेटी को उनको बंद कर देगा और उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनको जेल भी करेगा। पर गाइस अभी आपको जो वीजा है इंडिया इसमें रेड लिस्ट कंट्री में नहीं आया है, जिनका खून सूख रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली रेड लिस्ट कंट्री में आ चुके हैं। नेपाल का ऑलरेडी एग्रीमेंट है कीनिया की तरह, इसका मतलब कि नेपाल एम्बर लिस्ट में है तो नेपाल से रिक्रूटमेंट चली चलेगी और इंडिया के लोग को डरने की बात नहीं है, इंडिया के लोग ग्रीन लिस्ट में है। और WHO ने क्या कहा है उसके स्क्रीन पर आपको लेकर भी चलते हैं। WHO ने ये कहा है यहाँ पर, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपने वीडियो इसके बिल्कुल आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहे उन सबका मैं आंसर भी दूंगा वीडियो के लास्ट, आपने कहीं पर नहीं जाना। WHO ने कहा है जो कि हर साल निकलता है, उन्होंने कहा है देयर इज नो एक्टिव रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर पर्सनल फ्रॉम कंट्रीज ऑन द रेड लिस्ट डिस्कशन, यूके हेल्थ एंड केयर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ये रिक्रूट नहीं कर सकती, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी रिक्रूट नहीं कर सकती इन कंट्री से, एजेंसीज भी रिक्रूट नहीं कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडीज भी नहीं कर सकती है और इंटरनेशनल एजेंसी सब कॉन्ट्रैक्टेड डेट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूके, जैसे NHS के लिए कोई एजेंसी काम करी पर वो रेड लिस्ट कंट्री से नहीं ले सकती। और रेड लिस्ट कंट्री की जो लिस्ट है दोस्तों मैं नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर दिखाना भी चाहूंगा, अगर आपके मन में डाउट आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रेड लिस्ट कंट्री में सबसे ऊपर
अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, बैनन, बुरकन, बुरंदो, कैमरून, इस तरह की लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है। और एम्बर में सब दो ही कंट्री है जो आ सकती है, कीनिया, नेपाल है। अगर हम अपनी मन फेवरेट कंट्री इंडिया के बारे में, वो ग्रीन लिस्ट में है। और मलेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका के लोग भी ग्रीन लिस्ट में, इसका मतलब इंडिया और श्रीलंका के लोग पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और मेरे सब्सक्राइबर जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप बोलो कैसे लगता है कंट्री रेड लिस्ट कंट्री में कैसे डालते। अगर आपके कंट्री में 10,000 लोग हैं, अगर आपके पास जो हेल्थ वाले लोग हैं 49 से कम है, तो आपकी कंट्री को रेड लिस्ट कंट्री में डाल दिया जाता है। तो गाइस आपने डरना, इंडिया के लोग को इम्पैक्ट नहीं किया। अपना सी वर्ड मुझसे बना लीजिए, मेरा 19 साल एक्सपीरियंस है। और आपकी जब डॉक्टर और डेंटिस्ट और मिडवाइफ हो, चाहे आप केयर होम हो, आपको इंटरेस्टेज आ जाएगी, बिकॉज मुझे पता है कि ब्रिटिश एम्प्लॉयर को आपके सी में क्या चाहिए। अब डिस्कस करते हैं, बहुत सारे Q&A मेरी तरफ आए थे। पहला Q&A कि गैरी सर, हमारे पास ऑलरेडी हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा है, क्या हम पर इम्पैक्ट करेगा? आप पर इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट UK गवर्नमेंट के साथ वो डिफरेंट है। आप बिल्कुल भी डरिए मत, ये आप पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन ये पूछते हैं, गैरी सर इसके लिए मेंटेनेंस फंड कितने चाहिए? मेंटेनेंस फंड इसके लिए सेम चाहिए, वो है 1,270 pounds, जो रफली आपके अकाउंट में 1,00,000 होना चाहिए। पर वो भी नहीं होने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपका एम्प्लॉयर ये बोल देता है NHS की हम इसको सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट मंथ जब तक सैलरी नहीं आएगी तब आपको अपने अकाउंट में 0 पैसा भी नहीं शो करना, मतलब कि ये ऐसा वीजा है। फिर क्वेश्चन आता है, मैंने क्या गैरी सर एक वीजा सबसे आसान है, 6 months एक्सपीरियंस लो, कहीं भी हॉस्पिटल से ले लो, क्या हमें मिल सकता है? यस मिल सकता है, पर इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, वो इसकी रिक्वायरमेंट। और इसके लिए आपको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए UK से, जो कि बहुत आसान से मिल जाती है। UK जो केयर होम्स हैं बिल्कुल एम्प्टी स्टैम्प पड़े हुए हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको इंडिया से यहाँ पर लेकर आने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि गैरी सर क्या अगर हमारी कंट्री रेड लिस्ट कंट्री में है, क्या हम इंडिया में अप्लाई कर सकते? जैसे मानते हैं बांग्लादेश के लोग हैं जो इसमें आ गए हैं। जी हाँ, आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप में स्किल है, आपको अगर UK के पास जॉब वैकेंसी के लिए कोई और आदमी नहीं मिलता है, वो आपको बांग्लादेश दूसरी कंट्री से ले सकते हैं। ये आप अपना जो हौसला है मत छोड़े, ये रेड लिस्ट कंट्री बनी है, मानता हूँ इम्पैक्ट करेगी आपकी कंट्री को। पर एक दो एक्सेप्शन केस होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड लड़के लड़कियां होते हैं जिनको वीज़ा मिल भी सकता है, इवन कि आपकी कंट्री रेड लिस्ट कंट्री में भी है। तो ये है आज का वीडियो, जिसको हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा, जहाँ पर 500 UK PR ले सकते हो और जिसकी मात्र कॉस्ट 24-25,000 रुपये है, और इसमें 20 बच्चे आपके साथ आ सकते हैं। और इसमें आपको पैसा भी कोई खास नहीं दिखाना है, और इवन की क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप UK बिंदास और पूरे परिवार के साथ आ सकते हो। गाइज तो ये था, ये गुड न्यूज़ थी। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, आप 20 hours काम कर सकते हो सेम जॉब के लिए किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए। इसके लिए आपको UK होम ऑफिस परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये इंप्लीमेंट होगा 27 August से आपके लिए, और 27 August 2023 से आप लोग 20 hours एक्स्ट्रा काम कर और भी पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज UK में यही बात बताती है, बहुत शॉर्टेजेस है, आपने डरना मना है। अगर करियर गाइडेंस लेनी है, मेरी कॉस्ट 1,000 rupees है। अगर सी कार्ड बनवाना है आपको, उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आना पड़ेगा, और मेरे सीट से लोगों को इंडस्ट्रीज आ जाती है। और मैंने कम से कम 10,000 लोगों को करियर गाइडेंस दी है। आई विश यू वेरी गुड, आप जहाँ रहे सदा खुश रहे।